हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं कुछ किराने का सामान लेने आ गई थी, तो ये काफ़ी कुछ लेना था। देखिए, मैंने ले लिया है, बस लेके चलते हैं। और इसी के साथ ही आज ब्लॉग मैंने शुरुआत कर दिया है। थोड़ा काम था हमें बाहर, तो बाहर काम भी किया, करने के बाद में मैंने कहा चलो अभी सामान भी कुछ लेना है तो यहीं से लेती चलती हूँ। वैसे ज़्यादातर ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि अपने देख के लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ आके मैंने अभी कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी के लिए मैंने जीरा, राई, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाला, हींग डाल दिया। उसके बाद ये हो जाए तो फिर मैंने ये डाल दिया हल्दी, मिर्ची, ज़रा सा मैंने मसाला है, सब्जी मसाला जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई है ये, और दही, और मैंने बेसन को घोल लिया है। अभी गाढ़ा गाढ़ा ही डाल रही हूँ जिससे हल्का सा उबलने लग जाए ना तो फटेगा नहीं। तो फिर उसके ऊपर से फिर पानी डाल दूँगी। पानी डाल दिया, बस इसमें बस उबाल आ जाए, नमक डाल दिया, अब फटेगा नहीं, खूब बढ़िया। अब देखिए, इसके बाद मैं इसमें सेव डाल रही हूँ। मोटे वाले जो सेव होते हैं जिसकी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, वो वाले सेव हैं, अच्छे लगते हैं कढ़ी में बहुत ज़्यादा। ऊपर धनिया पत्ती डाल दी, बस बन के तैयार हो गया। ये पर्स देखो, इसकी हालत मैं इसको खाली कर रही हूँ। इसको फेंको, डस्टबिन डालो। गोइंग इन द डस्टबिन। कितना चितड़ा हो रखा है ये पर्स, बताओ। मैं मेरे पूरे ड्रॉअर में इसकी चितड़ा फैल गया। एक गाड़ी में भी उसको निकाल के फेंको, एक मैं जो योगा लेके जाती हूँ उसको भी फेंको। एक तो फटा हुआ पर्स, पता है फटा हुआ पर्स होता है तो वो पैसा नहीं टिकता है। धर्म का माव फटा हुआ होगा, वो पैसा खर्चा होता रहेगा। किसी ने बताया आपके YouTube वाले गुरुजी जो हैं बता रहे, उनको देखना बंद कर दो। अरे भाई, जब कह रहे हैं तो क्यों रखे हम फटा हुआ, जब है तब भी इसे मत रखो, ज्यादा बढ़िया है फटा हुआ मत रखो। चलो, हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई। ये लो, सेव वाली काढ़ी कढ़ी एकदम। अब जल से दो नाइटी मंगाया था मैंने, एक ये है। दोनों एक ही कंपनी, एक ही प्रिंट, एक ही जैसा। सिर्फ मुझे सुबह नहा के पूजा करने के लिए चाहिए। एक बार पूजा करने के बाद फिर अपना कुर्ता उर्ता पहन लो। कुर्ता पहन के क्या खाना वगैरह खा लेते हैं, झूठा हो जाता है। या फिर ये क्या है, साफ रहेंगे, सिर्फ पूजा करने के लिए रखूँगी। ये देखो, एक ऐसा है पीच कलर, पीच पिंक, और एक है थोड़े प्रिंट ऐसे हैं, लेकिन धोएंगे, कॉटन है, प्योर कॉटन है, धोएंगे बढ़िया हो जाएगा एकदम। धोने के बाद हो सकता है थोड़ा चढ़े भी, नहीं तो नीचे से थोड़ा सा जाके टेलर क्या उड़वा दूंगी। ये दो नाइटी लिया है, मंगाया था उसको, अब धोऊंगी पहले तो। मुझे तो ऐसे तो पहन नहीं सकते, इसकी महक ऐसी उठती है, नया कपड़ा आज तक मैंने नहीं पहना है। चलो इसको धो देती हूँ फिर पहनूंगी। यहाँ पे स्कूल से बच्चों को लेके आते समय रास्ते में शौर को गिफ्ट दिला रही हूँ, क्योंकि राखी बांधेंगी गुड्डा, तो इनके लिए कुछ गेम दिला देती हूँ। यहाँ मैं योगा सेंटर से जस्ट निकल रही हूँ, रास्ते में कुछ काम है, तो घड़ी रिस्ट वॉच हैं तो उनके हमें एक में सेल डलवानी, एक का पूरा वही उसका पट्टे ही बदलवाना है। तो चलो देखते हैं उसको करते हुए फिर चलूंगी। सही पूछो तो लेना तो सब्जी भी था, लेकिन लूंगी नहीं अभी। ये घड़ी है मेरी, इसमें सेल डालना है, इसका ये बदल दीजिए, है ना, इसका बड़ा लगाना है, ये बहुत छोटा है हाथ में, मतलब टाइट बहुत ज़्यादा है।
ये एकदम लास्ट में लगाओ तो घुसता नहीं है, है ना, इससे बड़ा चाहिए। तो यहाँ रिस्ट वॉच मेरी बन जा रही है, इसका ये बेल्ट भी चेंज करा दे रहे हैं और इस पर सेल भी डलवा देती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।